हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मयंग श्रीवास्तव फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विथ इज एफिलेटेड विथ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी मैं सब्जेक्ट इज मटेरियल इंजीनियरिंग आज हम आपको इस सब्जेक्ट में बताएंगे स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी कि स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं कैसे वर्क करता है अभी पिछले लेक्चर में जैसा कि हमने डिस्कस करा था स्ट्रेस के बारे में इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्ट्रेन क्या होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन के बिहेवियर क्या होते हैं या स्ट्रेन कैसे वर्क करता है और उसके बाद फिर आपका कवर अप करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेन पे स्ट्रेन क्या होता है एक डिफॉर्मेशन होता है या आप कह सकते हैं इट इज अ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मीन्स अगर आपका स्ट्रेस या फोर्स लग रहा है उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है जिसके कारण उसे ही आप कहते हैं स्ट्रेन स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मटेरियल दैट रिजल्ट फ्रॉम एन अप्लाइड स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण जो भी स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसमें जो भी डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप स्ट्रेन कहते हैं स्ट्रेन जैसे कि आप इसमें स्लाइड में देख रहे हैं चेंज इन लेंथ लिखा हुआ है l माइनस एल जीरो अपॉन एल ओ मतलब चेंज इन लेंथ है और अपॉन ओरिजिनल लेंथ ठीक है तो दिस इज आपका स्ट्रेन नेक्स्ट है आपका स्ट्रेन मैकेनिक्स नॉर्मल या आप कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है आपका किस बेस पे करेक्टराइज होता है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पे आपके स्ट्रेन करेक्टराइज होते हैं तो दे आर बेसिकली थ्री थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्ट्रेन इज करेक्टराइज दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन फर्स्ट वन नॉर्मल स्ट्रेन सेकेंड होता है आपका सीयर स्ट्रेन और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन में क्या होता है आपका अगर कभी भी नॉर्मल की बात आ जाए या नॉर्मल स्ट्रेन का की बात आ जाए तो हमेशा आप ये समझना कि क्रॉस एक्सनल एरिया में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे आप कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन या जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसे आप कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन अब नॉर्मल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में होता है अगर आप देखो डिफॉर्मेशन क्या होगा या तो आपका लेटरल होगा या तो लॉन्गीडनल होगा मतलब लेटरल और लॉन्गी से क्या समझते हैं आप लेटरल में क्या होता है या तो वर्थ के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन होगा या वर्थ बढ़ेगी या घटेगी तो बढ़ेगी तो आपका एलोंगेशन होगा लेटरल के फेस में और अगर घटती है तो वो आपका डिफॉर्मेशन होता है या डिक्रीज डिक्रीमेंट होता है आपका विर्थ के फेस में तो वो लेटरल स्ट्रेन होती है और अगर लॉन्गीट्यूडनल की बात करें तो लॉन्गीडनल के केस में क्या होता है आपका लेंथ uh, के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है तो उसे आप लॉन्गीटूडनल कहते हैं अगर लेंथ बढ़ती है तो इंक्रीज इन लॉन्गीडनल स्ट्रेन बोल सकते हैं या डिफॉर्मेशन uh, और अगर लेंथ आपकी घटती है तो आप डिक्रीज इन लॉन्गीटूडनल स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट होता है आपका सीयर स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन में क्या चीज़ें होती हैं सीयर स्ट्रेन हमेशा प्लेन पर लगता है अगर आप कोई भी दो सरफेस है या दो प्लेन है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऊपर सरफेस पे एक यहाँ इस सर्फेस मान लीजिए ये दो प्लेन है ऊपर वाले सरफेस पे आपका लेफ्ट साइड पे लग रहा है और नीचे वाले सरफेस पे या नीचे वाले प्लेन पे, पे पैरेलल होने चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है पैरेलल होना चाहिए पैरेलल होंगे तो जो भी फोर्स लग रहा है उसके कारण जो प्लेन में स्लिपिंग बिहेवियर आएगा मतलब एंगल में जो डिफॉर्मेशन होगा स्लिपिंग होगी उसके कारण जो भी स्ट्रेन होता है या जो भी डिफॉर्मेशन होता है उसे आप सीयर स्ट्रेन कहते हैं इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टूडेंट्स वो होता है कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो अलाइंड ना हो जैसे अगर नॉर्मल के केस में बात करें तो हमेशा जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल के केस में मान लीजिए पेन है आपने इधर से भी लगाया इधर से भी लगाया अब इधर से जब भी लगाएंगे तो जो भी डिफॉर्मेशन क्योंकि एक अलाइंड मतलब दोनों का फोर्स का जो एक्सिस है वो सेम है नॉर्मल है मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लग रहा है अगर नॉर्मल स्ट्रेन की बात करें और दोनों फोर्स एक ही लाइन पे लग रहे हैं तो उस केस में जो भी स्ट्रेन uh, है या जो भी डिफॉर्मेशन होती है उसे नॉर्मल डिफॉर्मेशन या नॉर्मल स्ट्रेन कहते हैं लेकिन अगर सीयर के केस की बात करें तो उसमें क्या होता है दो पैरल प्लेन होने चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि दो पैरल प्लेन होने चाहिए और दोनों में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे लेकिन वो एक डायरेक्शन में ना हो या उनकी एक्सिस जो है सेम नहीं होनी चाहिए एक ऊपर हो तो एक नीचे हो एक्सिस आपकी डिफर करनी चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है सीयर स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक की अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक मींस कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन होता है किसी भी मटेरियल में तो आप उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं जो भी डिफॉर्मेशन होगा अगर फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक कोई बॉक्स है आप उसमें एक्स एक्सिस में भी फोर्स लगा रहे हैं वाई एक्सिस में भी लगा रहे हैं और जेड एक्सिस में भी लगा रहे हैं तो इन तीनों डायरेक्शन में जो जो डिफॉर्मेशन अकर होंगे उन डिफॉर्मेशन को आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट स्टेप में है यही चीज़ आपकी समझाई गई है विथ अ डाइग्राम देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन क्या है इट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इनसाइड अ बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा आप देखिए दोनों ही कॉर्नर में बॉक्स के दोनों ही कॉर्नर में जिसकी लेंथ एल है फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है टेंज टें, टेंसाइल फोर्स आप इसे बोल सकते हैं लेकिन वो परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगा हुआ है मतलब मींस 90 डिग्री पे लगा हुआ है, और एक ही लाइन पे लगे हुए हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म नॉर्मल के केस में होता है परपेंडिकुलर होना चाहिए ठीक है अब इसमें आप देखिए जो W है क्या वेड़थ ऑफ ओरिजिनल स्टील बार मान लीजिए कोई भी स्टील बार है उसकी एक लेंथ है और उसकी एक वेथ होगी और उसमें जो भी फोर्स टेंजेंसियल लग रहे हैं अब आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ पुल फोर्स जो आप बीच में लिखा हुआ आप देखें अगर पुल फोर्स दोनों तरफ से उसको खींच रहे हैं तो उसमें दो ही तरह के डिफॉर्मेशन हो सकते हैं या तो वो व्यर्थ में वर्थ में भी डिफॉर्मेशन होगा और लेंथ में भी डिफॉर्मेशन होगा तो जो डिफॉर्मेशन आपकी व्यर्थ मतलब चौड़ाई में या अगर भाई आप अगर उसको पुल कर रहे हैं तो कमी आएगी तो चौड़ाई में जो भी डिफॉर्मेशन होगा उसे आप कहते हैं लेटरल डिफॉर्मेशन ठीक है या लेटरल स्ट्रेन और अगर यही चीज़ लंबाई में या विर्थ की बात करें लेंथ की बात करें अगर लेंथ जैसे ओरिजिनल लेंथ एल थी जो आपको डायग्राम में दिखाया गया अब यही लेंथ एल से बढ़कर l एल प्लस डेल्टा एल हो जा रही है मतलब डेल्टा एल जब आपने पुल करा दोनों डायरेक्शन में तो डेल्टा एल का जो डिफॉर्मेशन हुआ या जो चेंज इन लेंथ आई वो क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन ठीक है तो दो तरह के डिफ़ॉर्मेशन होते हैं एक होता है लेटरल और एक होता है लॉन्गीटूडनल तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं नॉर्मल होता है स्ट्रेन सीयर स्ट्रेन और थर्ड वन होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक नॉर्मल के दो ही पार्ट होते हैं एक लेटरल और एक लॉन्गिट्यूडनल ये दोनों इस डायग्राम से क्लियर हैं ठीक है अब देखिए अगर विर्थ की बात करें तो वर्थ में डब्ल्यू माइनस डेल्टा डब्लू हुआ था वर्थ मीन्स चौड़ाई अब चौड़ाई में भी कमी आई थी डेल्टा डब्ल्यू तो माइनस करा गया ओरिजिनल वन से डब्लू से और इसमें क्या हुआ था बढ़ा था लेंथ बढ़ी थी तो डेल्टा एल जो लेंथ बड़ी थी अगर टोटल लेंथ देखा जाए तो क्या होगा आफ्टर एलोंगेशन वो एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी और अगर विर्थ में कमी आई है तो वो क्या हो जाएगी एल माइनस डेल्टा डब्ल्यू ठीक है तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेन अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं आपके वो होता है सीयर स्ट्रेन जो जो आपको हम पहले भी बताए थे सीयर स्ट्रेन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कंसीडर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको सीयर पढ़ना है तो उसमें क्या होता है कि दोनों फोर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में ना लगें अलाइंग्ड ना हों जैसा कि आप आ, स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल वेन टू इक्वल एंड अपोजिट नॉन अलाइंग्ड फोर्स आर अप्लाइड टू अ बॉडी मतलब इक्वल और अपोजिट तो हूँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट नॉन अलाइंट मतलब एक ही लाइन पे ना हो नॉर्मल में एक ही लाइन पे होगा परपेंडिकुलर होगा इसमें एक ही लाइन पे नहीं होगा तो वहाँ डायग्राम में दिया हुआ है कि फोर्स दो फोर्स लग रहे हैं एक अपर सरफेस पे लग रहा है एक लोअर सरफेस पे लग रहा है दोनों पैरेलल होने चाहिए ये भी एक कंडीशन होती है इस ईयर के केस में दोनों प्लेन पैरेलल होने चाहिए जो कि उसमें लिखा हुआ है नॉन एलाइंड होने चाहिए ये भी इम्पॉर्टेंट है अब जो चेंज आया देखिए ओरिजिनल अगर लेंथ थी या ओरिजिनल बॉक्स था जो कि डॉटेड से आपको दिखाया गया है वो ओरिजिनल था आपका ठीक है अब उसमें डिफॉर्मेशन कितना आया डेल्टा एक्स अब ये डेल्टा एक्स डिफॉर्मेशन आया और एंगल कितना चेंज हुआ सीयर के कारण जो प्लेन का एंगल स्लिपिंग हुई आपस में उसमें जो भी डिफॉर्मेशन या जितना भी एंगल है वो वाई माना गया और ओरिजिनल हाइट कितनी थी उसकी एक्स थी तो वो तो ओरिजिनल उतनी जितनी थी उतना ही रहेगा अब डिफॉर्मेशन कितना हुआ डेल्टा एक्स तो ये हो गया आपका सीयर स्ट्रेन इसमें एफ जो होता है हमेशा याद रखिएगा टेंजेंशियल फोर्स लगता है टेंजेंट पे लगेगा किसी भी सरफेस के टेंजेंट पे लगेगा और वाई क्या है वो सीयर स्ट्रेन है जो कि उसके कारण डेवलप हो रहा है ठीक है तो ये होता है आपका सीयर स्ट्रेन फिर लास्ट वन होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है कि किसी भी बॉडी के तीनों डायरेक्शन में अगर फोर्स एग्जर्ट होता है और उसमें जो जो डिफॉर्मेशन आते हैं उन्हें आप वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं फॉर एग्जांपल आप देखिए डायग्राम में दिखाया गया है एक बॉक्स है उसमें एक एक्स एक्सिस में एफ़ वन फोर्स लग रहा है जिसके कारण स्ट्रेस डेवलप हो रही है और स्ट्रेन डेवलप हो रही है स्ट्रेस आपका सिग्मा वन और स्ट्रेन ई वन और उसी तरह वाई डायरेक्शन में आपका एफ़ टू फोर्स लग रहा है और ए, सेम वही स्ट्रेस सिग्मा टू और स्ट्रेन डेवलप हो रही है और इसी तरह जेड डायरेक्शन में भी एफ थ्री फोर्स लगाया जा रहा है और जिसके कारण आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रही तो स्ट्रेस तो फोर्स होता है और स्ट्रेन आपका डिफॉर्मेशन होता है अब तीनों ही डायरेक्शन में अगर डिफॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है अगर आप इसका एग्जाम्पल या अगर एग्जाम्पल लें तो किसी भी गैस की का जो भी टैंक होता है आप अगर देखो कोई भी गैस का टैंक है उसमें अगर आप गैस भरा हुआ है तो वो तीनों डायरेक्शन में इक्वेलेंट फोर्स एग्जर्ट करता है तो उस केस में क्या होगा तीनों डायरेक्शन में आपके वॉल्यूम में चेंज आएगा तीनों डायरेक्शन में चेंज आएगा तो इसका वॉल्यूम में चेंज आएगा जब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में चेंज आएगा तो क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होगा तो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो उसी को आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं ठीक है, है? जैसा लिखा हुआ है इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इन ऑल डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मतलब कि ये तब प्रोड्यूस होती है जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तीनों डायरेक्शन में तो वो जो चेंजेज आता है उसे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं तो ओवरऑल स्ट्रेन में क्या क्या हमने बताया आपको आज स्ट्रेन में सबसे पहले कंप्लीट हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल स्ट्रेन फिर उसके बाद या उसी को नॉर्मल स्ट्रेन बोला गया फिर उसके बाद सेकेंड है सीयर स्ट्रेन और थर्ड वाला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है एक एग्ज़ाम्पल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आप ये भी दे सकते हैं जैसे बैलून आप अगर बैलून में फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है सारे कभी आपने ऐसा थोड़ी देखा होगा कि बैलून आप फुला रहे हैं मुंह से भी फुला रहे हैं तो उसमें क्या होता है सारे डायरेक्शन में एक साथ फोर्स लगता है पूरा बैलून एक साथ फूलता है अक्सर आपने देखा होगा तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन कह सकते हैं अब बात आती है कि ये डिफ़ॉर्मेशन या ये एलोंगेशन हमको क्यों पढ़ना चाहिए इसकी क्या यूज होता है तो उसके लिए क्या होता है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री में आपको काम करना है या आप एज ए इंजीनियर कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए और कौन सा मटेरियल कब फेल होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है अगर ऐसा नहीं आपको पता होगा तो आप गलत मटेरियल सेलेक्ट कर लोगे और फेल्योर आएगा आपका ब्रेकिंग होगा और आपका लॉस होगा तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए आप क्या करते हैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए बिहेवियर पता होना चाहिए कौन सा लोड कितना लगाते हैं तो उस पर क्या डिफॉर्मेशन आता है ये आपको पता होना चाहिए जैसे नेक्स्ट स्लाइड इस स्लाइड में आपको हम बता रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब हुआ कि देखिए कोई भी मटेरियल अगर यूनिवर्स में एग्जिट कर रहा है तो उसके कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनमें से एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि किसी भी मटेरियल कोई भी मटेरियल होता है तो वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स से या एटम्स से मिलकर के बना होता है अब उसमें अगर कोई भी टम्परेचर आप देते हैं और उसमें चेंजेज आता है तो जब टेम्परेचर के कारण चेंजेज आता है या फेस चेंज होता है तो वो आपका क्या कहलाता है टेम्परेचर प्रॉपर्टीज़ होती है उस मटेरियल की अब वो भी हमको पता होना चाहिए तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराएंगे तो अगर नहीं पता होगा तो होता क्या है कि मान लीजिए आप बियरिंग्स यूज कर रहे हैं मूविंग पार्ट है वहाँ पर काम हो रहा है अब उस केस में क्या हुआ बियरिंग ओवर हीटेड हो गई ओवर हीटेड हो गई तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को उसने लूज़ कर दिया जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसको लूज़ कर दिया तो उस केस में क्या होगा ब्रेकिंग आ जाएगी फेल्योर हो जाएगा तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपको जो कि जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है एज ए इंजीनियर वो आपको पता होना चाहिए अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं उसमें 14 टाइप्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो कवरअप हैं जैसे आपका सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ अब स्ट्रेंथ है फिर इलास्टिसिटी है फिर स्टिफनेस है फ्लैक्सीबिलिटी है प्लास्टिसिटी है डक्टिलिटी है मेलेबिलिटी है टफनेस है रेजिलेंस है हार्डनेस है ब्रिटलनेस है क्रीप है फैटिक है और मसीनेबिलिटी है तो इन फोटीन प्रॉपर्टीज अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत आसान होगा किसी भी मटेरियल को कहाँ यूज़ करना है उनकी क्या बियरिंग कैपेसिटी है कब वो फ़ेल हो जाएंगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगी और आप एक अच्छे इंजीनियर की तरह कहीं पर भी वर्क कर सकते हैं और बेसिक और आपको बता दें अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या जेई की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं या किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो उसमें भी मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग के ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं जो इसमें हमने कुछ कवर अप करा है इसमें देखिए क्या है कि द मकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर दोज प्रॉपर्टीज़ दैट इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन टू एन अप्लाइड लोड मतलब कि वो प्रॉपर्टी अगर कोई भी मटेरियल पे लोड लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ अपना मटेरियल का रिएक्शन होगा तो वो लोड लगाने पे जो भी रिएक्शन होगा वही उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करती है ठीक है फिर आगे है द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ मटेरियल और क्या बताती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कि मटेरियल को उसके यूज कहाँ करना है यूजफुलनेस को बताती है डिटरमाइन द रेंज ऑफ यूजफुलनेस मतलब कि कहाँ यूज करना है और किस लिमिट तक यूज करना है वो कौन बताएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ठीक है फिर क्या है इस्टेब्लिस द सर्विस लाइफ दैट कैन बी एक्सपेक्टेड और इसके बेस पे आप क्या करते हैं कि किसी भी मटेरियल या आप ऐसे भी देखो अगर कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं मार्केट में तो सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है क्यों क्योंकि वही उसकी लाइफ को बताता है अगर जैसे आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था एक टायर का एग्जाम्पल लिया था कि अगर टायर है तो उसका भी एक कोई प्रॉपर्टीज़ है उसकी भी कोई लाइफ है तो उस वो भी आपको पता होना चाहिए या एज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर और अगर आपको कोई कंपोनेंट्स की बात करें या आप अगर मार्केट में आप अगर कोई मेडिकल की बात करें तो उसमें भी आप देखो वो भी कोई केमिकल कंपोजिशन से मिलकर के ही तो बना है कोई भी मेडिसिन तो उसकी भी लाइफ है कि उसको कितने दिन तक यूज करना है तो वो लाइफ कौन सी चीज़ डिफाइन करता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन वो चलेगी कितने दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगी ठीक है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम कवर अप करते हैं जैसे आता है कि द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ कंसिडर आर इलास्टिसिटी क्या होता है प्लास्टिसिटी क्या होता है डक्टिलिटी क्या होता है ब्रिटेलनेस क्या होता है मेलेबिलिटी क्या होता है और हार्डनेस क्या होता है और स्ट्रेंथ क्या होता है इसके ऊपर वाली स्लाइड में एक चीज़ और आपको बताते हैं जो सबसे और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है नीचे उसको लिखा नहीं हुआ है स्टिफनेस अगर बात करते हैं अगर बात करते हैं स्टिफनेस की तो स्टिफनेस क्या होता है स्टिफनेस किस बेस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं स्टिफनेस का मतलब क्या होता है तो इस, इस, स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन मतलब कि एक mm या एक यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड आपको लगाना पड़ेगा अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं स्प्रिंग का ये एक स्प्रिंग है और इसके ऊपर हमारा कोई भी वेट लगा हुआ है वो नोन है जो भी वेट होगा वो नोन होगा ठीक है और यहाँ पर एक हम स्केल ड्रॉ कर देते हैं जिसमें हम डिफॉर्मेशन देखेंगे कि वो कितना डिफॉर्म हो रहा है कितना लोड लगाने पे ठीक है यहाँ पर क्या करेंगे एक निडल लगा देंगे मान लीजिए ये आपकी एक निडिल है ठीक है अब इसमें क्या है ये आपकी निडिल है ये आपका यहाँ पर मान लीजिए टू के का वेट लगा हुआ है टू के जी का टू के जी का वेट है ठीक है अब टू के जी का वेट अगर आप इसको वैसे तो ये मास है टू के जी मास है अगर वेट में कन्वर्ट करते हैं तो डब्ल्यू बराबर एम जी होता है तो टू इंटू ग्रेविट ग्रेविटी कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स नाइन पॉइंट एट वन अगर आप राउंड फिगर में मान लेते हैं उसको टेन ले लेते हैं हम तो ट्वेंटी हो गया अगर आप वेट हमारा मान लीजिए डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ट्वेंटी न्यूटन ठीक है और ट्वेंटी न्यूटन का हमने इस पर वेट दिया अब ट्वेंटी न्यूटन के वेट में हमारा डिफॉर्मेशन हुआ इस स्केल पे, ये मान लीजिए एम में है स्केल और यहाँ पर ऐसे ऐसे ये स्केल पॉइंट बने हुए हैं और इसका डिफॉर्मेशन हो गया हमारा डिफॉर्मेशन आया हमारा डिफॉर्मेशन कितना आया फोर एम एम फोर एम एम डिफॉर्मेशन आया ठीक है थीके? अब इसका मतलब क्या हुआ अगर 20 न्यूटन का हम इस पर वेट देते हैं तो डिफॉर्म कितना होता है फोर न्यूटन तो उस केस में क्या होगा आपका एक में कितना होगा अगर आप देखिए फोर एम एम डिफॉर्मेशन के लिए फोर एम एम डिफॉर्मेशन के लिए कितना ज़रूरी है हमको वेट ट्वेंटी न्यूटन ठीक है तो एक एम mm एम के लिए कितना होगा आपका वन एम एम के लिए ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फोर तो कितना हो गया आपका फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन आपको लोड चाहिए या फोर्स चाहिए या वेट चाहिए पाँच न्यूटन का ठीक है कितना फोर एम mm. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एम mm डिफॉर्म करने के लिए पाँच न्यूटन हमको चाहिए तो ये जो चीज़ बता रही है कि पाँच न्यूटन का जो वेट चाहिए एक एम mm को डिफॉर्म करने के लिए वही क्या होता है स्टिफनेस होता है अब बात आती है स्टिफनेस कम या ज़्यादा अब जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं इसकी ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन में आपने देखा काफ़ी मोटी मोटी आपकी कॉइल स्प्रिंग लगी होती हैं तो उस क्वाइल स्प्रिंग में तो अगर आपको डिफॉर्मेशन करना है तो उसमें तो पाँच न्यूटन नहीं लगेगा तो उसमें तो और ज़्यादा लगेगा मान लीजिए उसको मैं डिफॉर्मेशन क्यों क्योंकि उसमें पैसेंजर वेट होता है खुद की गाड़ी का वेट होता है तो उसके कारण जो भी डिफॉर्मेशन आता है तो अगर मान लीजिए वो आपका ट्वेंटी न्यूटन या फिफ्टी न्यूटन है तो इस सेंस में यह समझा जाएगा कि 20 न्यूटन जिसका जिस मान जिसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है वो मटेरियल ज़्यादा स्टिफ है ठीक है तो ये क्या होता है आपका ये इस, 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 ये होता है आपका स्टिफनेस अब बात करते हैं इसी समय बात कर लेते हैं रेजिलेंस की रेजिलेंस क्या होता है कि अगर कोई भी स्प्रिंग है जैसे ये आपकी स्प्रिंग है और स्प्रिंग में ये आपकी स्प्रिंग है स्प्रिंग को आप फोर्स लगा रहे हैं और वो अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं कर रहा है फोर्स लग रहा है तो उसके कारण जो भी इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो रही है जिससे वो वापस रिगेन हो रहा है अपनी पोजीशन पे तो उसको आप क्या कहते हैं रेजिलेंस अब रेजिलेंस का एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं डोर जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर होते हैं उसमें स्प्रिंग लगी होती है अब आप देखो उसको जब आप खोलते हो अगर वो डोर क्लोजर ना लगा हो तो इंसान उसे बहुत आसानी से खोल ले छोटा सा बच्चा भी धक्का दे तुरंत खुल जाता है लेकिन उस स्प्रिंग लगने के कारण हम लोगों को ज़्यादा एग्ज फोर्स एग्जर्ट करना पड़ता है तो वो जो एग्जर्ट फोर्स एकज़ करना पड़ रहा है वो वर्कडन हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन वही वर्कडन हमको स्ट्रेन एनर्जी या वो ही वर्क डन आपका स्टोर हो जाती है एज जा जै स्टोर एनर्जी और उसके बाद वो जब डोर आप आ, बाद में अपने ऑटोमेटिक क्लोज होता है तो उस सेंस में वही एनर्जी वर्क करती है मतलब जितना वर्क हमने ज़्यादा दिया उतना हमको बाद में वापस मिल गया तो जो वो वापस स्टोर्ड एनर्जी जो वर्क करती है रिगेन करने पर उसी पोजिशन को तो उसको आप क्या कहते हैं रेजिलेंस अब रेजिलेंस में एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है आपका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसे आप कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस मतलब जैसे स्प्रिंग है अब स्प्रिंग को यहां पे हम बता देते हैं आपको एक बार ये आपका स्प्रिंग है ठीक है इसमें आपने दोनों साइड से इसको एलोंगेट करा अब जब एलोंगेट करा तो इसका डरे, डरे, इसका लेंथ आपका इंक्रीज हो गया तो जो इंक्रीज हुआ उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप हुई वो अपनी पोजीशन में वापस लाने में तो उसको आप क्या कहते हैं रेजिलेंस ठीक है लेकिन अगर नेक्स्ट टर्म में देखा जाए प्रूफ रेजिडेंस क्या होता है कि उसको मैक्सिमम लिमिट तक खींच दो इतनी लिमिट पे खींच दो कि अब उसके आगे अगर खींचते हैं आप अगर इसको मान लीजिए इस स्प्रिंग को हमने मैक्सिमम लिमिट तक उसको खींच दिया अगर उसके आगे आप खींचते हैं तो वो प्लास्टिक रेंज में चली जाएगी तो उसको आप कहते हैं प्रूफ रेजीडेंस अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है बहुत इंपॉर्टेंट वट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डनेस एंड टफनेस हार्डनेस क्या चीज होती है कि कोई भी हार्डनेस हमेशा सरफेस पे होती है किसी भी मटेरियल के सरफेस पे अगर कंसीडर करते हैं तो हार्डनेस होती है हार्डनेस और टफनेस में अंतर क्या होता है हार्डनेस में कोई भी इंडेंट या कोई भी स्क्रैच नहीं आता है मटेरियल जितना हार्ड होगा उतना स्क्रैच कम आएंगे या अगर दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी मटेरियल पे हम स्क्रैच करते हैं और वो स्क्रैच को आने देता है इसका मतलब वो उससे कम हार्ड है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपने स्किन पे हम स्क्रैच कर रहे हैं तो जो हमारी स्किन स्क्रैच हो रही है और फिर बोर्ड पे स्क्रैच कर रहे हैं तो बोर्ड पे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बोर्ड हमारी स्किन के कंपरिजन में ज़्यादा हार्ड है तो वो होती है हार्डनेस अब बात आती है या एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं मिरर का भी मिरर जो होता है वो हार्डनेस होता है उसमें मतलब कि आप अगर उसमें स्क्रैच करते हैं तो आसानी से नहीं होता है लेकिन टफनेस क्या होता है अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हार्डनेस और टफनेस में क्या अंतर होता है टफनेस क्या होता है कि वो लोड बियरिंग कैपेसिटी उसमें होती है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आप कार की विंड स्क्रीन देखें तो कार की विंड स्क्रीन जो होती है वो भी मिररी है अगर आप देखो लेकिन उसमें स्क्रैच अगर देते हैं तो स्क्रैच नहीं आती लेकिन उसमें स्क्रैच से ज़्यादा ध्यान दिया गया कि अगर वो रोड पे चल रही तो कितना प्रेशर एक्जर्ट हो रहा है जितनी स्पीड से चल रही है आप सोचिए इतनी प्रेशर एक्जर्ट होता है तो उस प्रेशर के कारण उसको टूट जाना चाहिए अगर वो टूट जाता है तो क्या होगा ड्राइवर को इम्पैक्ट आएगा उसके आंख में जा सकता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उस चीज़ को बचाने के लिए टफनेस लेके आए आप देखिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं जब आपको ग्लास लेना होता है कि, कि कितना टफ एंड मटेरियल है या कितना टफ टफ एंड ग्लास है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो टफ एंड होता है टफ टफनेस क्या होता है आपका मैक्सिमम लोड कितना बियर कर सकता है मतलब उसमें लोड की क्वालिटी होती है क्रैक्स या स्क्रैच के साथ लोडिंग बियरिंग कैपेसिटी भी होती है तो उसे आप टफनेस कहते हैं तो ये दो एग्जांपल होते हैं हार्डनेस का एग्जांपल आपको सिंपल मिरर जिसमें आप जो यूज करते हैं घर पे और लेकिन अगर टफनेस की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन हो गई ठीक है इस इसी में आगे बात करते हैं इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी में आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है मतलब सेप और साइज़ को रिगेन कर लेता है और फ्लैक्सीबिलिटी मटेरियल कितना फ्लैक्सीबल है कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं प्लास्टिसिटी की अगर बात करें प्लास्टिसिटी plastic, के, के केस में क्या होता है कि डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है मटेरियल अपनी सेप को रिगेन नहीं कर पाता है डक्टिलिटी की अगर बात करते हैं डक्टिलिटी वो क्वालिटी होती है किसी भी मटेरियल की कि उसको एक वायर के फॉर्म में चेंज करा जा सके अब सेकेंड मेलिबिलिटी की अगर बात कर लें मेलेबिलिटी वो क्वालिटी होती है कि किसी भी इस मटेरियल को पीट पीट करके उसको एक सीट के फॉर्म में कर दें तो उसे आप वेलिबिलिटी कहते हैं ठीक है अगर क्रीप की बात करें तो क्रीप क्या होता है स्लो डिफॉर्मेशन होता है कांस्टेंट लोड पे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल है उसको एक कांस्टेंट लोड पे बहुत समय तक आप उसको एक कांस्टेंट लोड पे रख दें और उसके बाद उसको देखें तो जो डिफॉर्मेशन होगा उसे आप क्रीप कहते हैं ठीक है मशीनिबिलिटी क्या होती है किसी भी ऑपरेशन किसी भी उस पर कितनी मशीनिंग ऑपरेशन आप कर सकते हैं तो ये सारे चीज़ें हमने कवर करी और एक टर्म जैसे ये आपका ब्रिटेलनेस है तो ब्रिटेलनेस में क्या होता है प्लास्टिक लिमिट को बहुत कम टच करता है उसके बाद सडन ब्रेकिंग होती है तो वो ब्रिटेलनेस होता है जैसे ग्लास का मटेरियल नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं यही इसमें इसका ही आ, इसके बारे में ही लिखा हुआ है इलास्टिक सिटी आपका ओरिजिनल सेप को गेन कर लेता है प्लास्टिक सिटी ओरिजिनल सेप को गेन नहीं कर पाता है परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है डक्टिलिटी में आपको कोई भी चीज़ में स्ट्रेस प्रोवाइड करा करके आप उसको आ, वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं ब्रिटेलनेस ग्लास द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटेलनेस इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ब्रिटेल मटेरियल एब्जॉर्व रिटिवली लिटिल एनर्जी प्रीरो टू फ्रैक्चर बहुत कम एनर्जी को एब्जॉर्व करता है फ्रैक्चर से पहले मेलेबिलिटी में क्या होता है आपका सेम यही चीज़ होता है कि थिन सीट में कर्वर कन्वर्ट कर, कर, करते हैं हैमरिंग या रोलिंग ऑपरेशन के थ्रू उसके बाद आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं इसमें क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कोई भी मटेरियल को उसकी बिहेवियर अगर जानना है तो आप ऐसे तो जान नहीं पाओगे मान लीजिए कोई हार्ड मटेरियल है स्टील है तो उसकी बिहेवियर कैसा है कब वो ब्रेक करेगा हाथ से खींच के तो पता नहीं करोगे आप तो उसके लिए क्या होता है आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हो और उसमें आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं जैसे वन तरफ आपका स्ट्रेस है दूसरी स्ट्रेन है अब जीरो से ए मतलब आपने स्ट्रेस दिया कुछ डिफॉर्म हुआ स्ट्रेन में कुछ चेंज आया जीरो तो लेकिन जीरो से ए जो है उसको आप कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपर्सनलिटी मतलब कि आपका इसी को आप हुक्स लॉ कहते हैं मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो से ए में हमेशा बराबर होगा फिर ए से बी में क्या होता है आपका इलास्टिक लिमिट होता है बी बी तक क्या होगा इलास्टिक रेंज रहेगा लेकिन बी से ऊपर ही जैसे जाएगा वो प्लास्टिक रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर सी में क्या होता है आपका ईल्ड पॉइंट स्टार्ट होता है मतलब आप स्ट्रेस कम दे हो रहे हो लेकिन स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है जैसे सी है तो उसमें जो सी पॉइंट है वो आपका कहलाता है अपर एल्ड पॉइंट और नीचे जो डी पॉइंट दिया हुआ है वो आपका कहलाता है लोअर एल्ड पॉइंट उसके बाद क्या होता है आप स्ट्रेस देते भी नहीं हो तब भी डिफॉर्मेशन होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जिसे आप ई e पॉइंट कहते हैं जिसे आप कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अब अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस दोगे मतलब उससे ज़्यादा अब वो बियर ही नहीं कर सकता उससे ज़्यादा स्ट्रेस उस, उस मटेरियल में बियर ही नहीं कर सकता तो वहाँ पर ई e पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और एफ़ जो होता है वही आपका होता है फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पर मटेरियल टूट जाता है तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डाइग्राम बताता है कि कोई भी मटेरियल आप किस बेस पर सेलेक्ट करते हो कितना उसमें लोड होना चाहिए कितने लोड के बाद वो टूटेगा तो ये सारी चीज़ें आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के थ्रू करते हैं उनमें जैसे जैसे आप उसमें टेस्ट करते हो वैसे वैसे उसमें ये रीडिंग आती रहती है और आप आसानी से उसको कवर अप करते हो यही वन वन टू वन वन पॉइंट वाइज इसमें दिया हुआ है जीरो टू ए जीरो टू बी जीरो टू सी ए बी सी डी ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप करें जो कि अभी आपको हमने बताया ठीक है ओके थैंक्स लॉट